सो वी के नाउ से सोल इज द बेस्ट टीम इन इंडिया मतलब अभी जिस हिसाब से खेल रहे हैं लग रहा है मतलब पूरा क्वालिफिकेशन का पॉइंट यहीं पे निकाल देंगे सारी भड़ास एक एक दो हफ्ते के अंदर ही बोल देंगे हम तो क्वालिफाई कर रहे हैं बट हाँ एक ऐसा पॉइंट आएगा भुझे, 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 कुछ कुछ जगहों पे कुछ कुछ जगहों पे जैसे कि अभी देखो सोल बढ़िया खेल रही रोटेशन ए वन है अभी सब परफेक्ट चल रहा है बट धीरे धीरे क्या होता है ना जब एक लॉन्गर स्टेजेस पे जाते हो तो टीम्स कंडीशन हो जाती है मैंने ये वर्ड पे बहुत आजकल बातचीत कर रहा हूँ आदत हो जाती है कि उनकी प्लेइंग स्टाइल के ऊपर तो थोड़े बहुत काउंटर चीज़ें भी आएंगी कल को पत कल शायद हैदराबाद हाइड्रास डोमिनेट कर सकती है कल शायद कोई और टीम डोमिनेट कर सकती है बट आज का जो दिन था उनके लिए ए था एंड इट्स स्टिल प्रटी अर्ली टू से लाइक कि अभी वो बेस्ट टीम है देआर ऑन द प्रोसेस दे हैव गॉट द जिग्स ऑफ पॉजल राइट हंड्रेड परसेंट मतलब जो जो मिसिंग चीजें थी जैसे कि मैं इंग्लिश टीम पर तो तुम लोग आते हैं होने हैं लॉन्डो गंदे लोग आते हो नहीं वहाँ पर हमने बोला दे आर अ बंच ऑफ मिस फिट्स टेकन फ्रॉम डिफरेंट टीम्स एंड परफेक्टली जेल्डिंग टूगेदर एज अ होल ब्यूटिफुल स्कॉड एंड अ होल वेल यूनिट तो दिस इज टीम सोल्व फॉर मी क्योंकि अभी गेम आने के बाद कितने सारे रोस्टर चेंजेस हुए कितने सारे बदलाव देखने को मिले एंड फाइनली ऐसा लग रहा है कि ये वो सोल है जो शायद ट्रॉफ़ी उठाने की क्षमता रखती है और लेके जाएगी